अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम खिजर भाई। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अभी मैं देख रहा था जो हमारा प्रीवियस सेशन था स्पेस, उसका जो रिस्पांस है दैट्स फैंटास्टिकली वेल। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको सुना है, तो दैट्स अमेजिंग रिस्पांस। थैंक यू वेरी मच इतजाज भाई, आपने टाइम दिया इस स्पेस को स्पीक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक हमारा है, ये भी एक वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर है हमारे स्टॉक मार्केट का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। तो इत्तेजाज भाई, थोड़ा सा आप अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहें तो प्लीज़ गो हेड विद दैट, एंड देन आई विल पुट माई फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़। जी श्योर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू सरमाया एंड द टीम। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो यही है कि अभी मैं मल्टी लाइन सिक्योरिटीज़ के साथ टाइड अप हूँ एज हेड ऑफ रिसर्च। प्रीवियस मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस हैज़ बीन विद MCBRFIB इन्वेस्टमेंट्स, तो दोनों साइड का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बाई साइड पर भी काम किया है एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कमेटी एंड एज अ सीनियर एनालिस्ट, और फिर तकरीबन एक साल से मैं सेल साइड पर काम कर रहा हूँ। और जो मेरी कवरेज रही है वो थोड़ी सी मेन बोर्ड की तरफ ज़्यादा रही है। ENPs कवर किए हैं, कमर्शियल बैंक्स किए हैं, साथ में पावर कवर किया है और सीमेंट्स एंड स्टील कवर किए हैं जो मैंने खुद किए। बाकी थोड़ा बहुत चीज़ है ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सही। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। CFA किया हुआ है पढ़ाई के लिहाज से, एंड इट्स बीन लाइक क्लोज टू 9 years इन दिस इंडस्ट्री। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच इत्तेजाज भाई। थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस दिस सेक्टर। तो इसको इस तरह लेके चलते हैं ताकि एक लेमैन को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आई नो आप तो रिसर्च पे काम करते हैं और इट कैन बी वेरी डिटेल्ड एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं चीज़ें, बट पर्पज़ ये स्पेस करने का है कि जो लेमैन है, जो इन्वेस्टर है मेरी तरह, जिनका कोई इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं, बैकग्राउंड नहीं, उनको चीज़ें थोड़ी सी समझाई जाएं अबाउट आवर कैपिटल मार्केट्स। तो सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें ये सेक्टर करता क्या है, इसमें कौन सी लिस्टेड कंपनीज हैं, और कोई ऐसी भी लिस्ट कंपनीज हैं इस सेक्टर में जो कि अभी लिस्टेड नहीं है। गो अहेड विद दैट। जी ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में चलते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रॉडली समझा देता हूँ, फिर आपके जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे तो उसकी डिटेल्स में जाते रहेंगे तो और क्लियर होते जाएगा कि सेक्टर्स के डायनामिक्स क्या और वो डायनामिक्स इस तरह से प्ले आउट क्यों नहीं हो रहे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है। नाम से पता चल रहा है कि जो कंपनीज इसमें लिस्टेड हैं वो एक्सप्लोर करती हैं फॉर ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑयल है एक गैस है जो कि निकलता है। पाकिस्तानी मार्केट में चार लिस्टेड कंपनीज हैं, नेमली OGDC, PPL, मारी पेट्रोलियम एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। आपने पूछा कि इसके अलावा कोई बड़ी कंपनीज हैं, तो मेजर जो चंक है वो इन चार कंपनीज़ में डिवाइड हो जाते हैं और ज़्यादातर जो स्क्यूड है वो OGDC और PPL की तरफ है। फिर GHPL है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें आपको एक स्टेक देना होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो आपके फॉरेन प्लेयर्स थे सच एन ENI और दूसरे भी हैं, ये एग्जिट कर रहे हैं आपकी मार्केट से बिकॉज कैश फ्लोज के थोड़े से स्टिफ मसले हैं और उस तरह से रिटर्न जनरेट नहीं हो पा रहे इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो आपके पास इन्वेस्टर्स बचे हैं, कंपनीज बची हैं, वो यही चाह रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा चंक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ऑयल और गैस की मतलब प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो ऑयल तकरीबन अभी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुल्क की प्रोडक्शन इज़ क्लोज टू 70,000 बैरल्स पर डे, टू बी स्पेसिफिक 73,000 के करीब थी। इससे पहले अगर आप इसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो बैक इन 2015 जो पीक प्रोडक्शन थी इट वाज अराउंड 95,000 बैरल्स पर डे। तो जो इन्वेस्टर है उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन प्रोफाइल है। उसके रीजंस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पर एक चीज़ आपको दिख रही है कि प्रोडक्शन कम होती जा रही है और आपके जो अभी प्रूवन रिजर्व्स हैं उसकी लाइफ तकरीबन बची है 8 साल के करीब ऑयल की।
सिमिलरली गैस में जो सिनेरियो है वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है. अच्छा, ऑयल की साइड से एक चीज़ बता दूँ, हमारी जो टोटल डिमांड बनती है सारे प्रोडक्ट्स मिला के, इट इज़ क्लोज टू 450,000 बैरल्स पर डे 2022 के नंबर्स पे अगर चले जाएँ, जिसमें एफ ओ इंक्लूडेड है. तो एक चीज़ आपको देख रही है कि आपका रिलायंस जो इम्पोर्ट्स पे है वो ओवर द पीरियड ऑफ 4-6 ईयर्स बढ़ता चला जा रहा है. प्रीवियसली यू आर प्रोड्यूसिंग 95,000 बैरल्स पर डे, नाउ यू आर डाउन टू 70,000 बैरल्स पर डे, और डिमांड उस पीरियड में ऑब्वियसली अगर एक्स एफ ओ देख लें तो बढ़ती गई है. तो ज़्यादा रिलायंस शिफ्ट हो रहा है आपके इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ, इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल एंड एंड प्रोडक्ट की तरफ. गैस पे आए तो गैस पे भी जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उस पे भी जो सिचुएशन है इट इज़ क्वाइट सिमिलर. अभी हमारी प्रोडक्शन इज़ क्लोज टू 3.4 BCFD या 3400 MMCFD की प्रोडक्शन है मुल्क की. इसको चले जाएं आप 5-6 साल पहले, बैक इन 2015-2014 द प्रोडक्शन वॉज अराउंड 4000 MMCFD. तो उधर भी आपको एक प्रोडक्शन डिक्लाइन दिख रहा है कि रिजर्व्स यूज अप हो रहे हैं. तो जनरली जो रिजर्व्स चलते हैं वो बेल कर्व फॉर्म करते हैं. कुछ फील्ड्स में जाएंगे तो वो बेल कर्व्स काफ़ी बन चुके हैं, डिप आके दोबारा से अपवर्ड रिवाइज हो जाते हैं. पर जनरली स्पीकिंग थ्योरेटिकली एक बेल कर्व बनता है जो प्रोडक्शन प्रोफाइल का है. तो आप अच्छी खासी फील्ड्स जो हैं ओवर 70% यूज़ अप हो चुकी हैं उनके रिजर्व जो हैं. लेकिन गैस में थोड़ी सी जो लाइफ है उधर थोड़ी सी बेहतरी है कि हमारे पास 14 साल के रिजर्व बचे हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और 3.4 BCFD, जिसमें से हमारी के पास तकरीबन 25-30% वो प्रोफाइल इनके पास है. लेकिन सिंस मैंने कहा कि एक बेल कर्व फॉर्म होता है तो ज़्यादातर फील्ड जो हैं वो डिक्लाइनिंग सिनेरियो पे जा रही हैं. तो आपकी प्रोडक्शन 4000 MMCFD से 3400 पे ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी जो प्रोफाइल है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ ही जा रही है. मारी की तकरीबन 150 MMCFD ऐड होने और बन्नू वेस्ट से आई थिंक इज़ क्लोज टू 25 MMCFD. तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, पर द साइज ऑफ डिमांड इज सिग्निफिकेंटली हाई. जो कोर्ट होता है मिनिस्टर्स की तरफ से, जियोलॉजिस्ट की तरफ से, वो तकरीबन 6 BCF कोर्ट होता है. तो कुछ जगहों पे तो गैस सप्लाई नहीं होती. और वैसे आप नंबर्स पुल इन कर लें तो तकरीबन 1000 MMCFD आपकी LNG आ जाती है, 3500 MMCFD है, तो 4500 MMCFD की तो डिमांड है ही जो कि सप्लाई होती है. तो ये डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन प्रोफाइल अगर मैं वो बेल कर्व पे भी चले जाऊँ तो मैं एक वर्किंग करके देख रहा था बाई 2030 यू विल बी डाउन टू अराउंड 2500 से 3000 की रेंज में होगी आपकी गैस प्रोडक्शन. तो इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हमने नए रिजल्ट्स फाइंड आउट नहीं किए, नई प्रोडक्शन नहीं आई कहीं से, तो जो अभी 1000 MMCFD 1100 MMCFD LNG पे रिलायंस है वो डबल हो जाएगी. सिमिलरली द इम्पोर्ट बिल वुड इंक्रीज अगर प्राइसिंग उधर भी रहती है. तो ये ब्रीफली हमारी जो प्रोडक्शन प्रोफाइल है जो, और जो बड़ी कंपनीज हैं मैं बता दूँ, OGDC जो है तकरीबन 45% के करीब ऑयल प्रोडक्शन करती है पाकिस्तान की. साथ में PPL इज़ क्लोज टू 20%, POL इज 8%, और रेस्ट जो है वो दूसरों के पास, हमारी 2% करीब है. इतनी बड़ी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है. तो और इसमें ये मैं बता दूँ इनके ये एडजस्टेड स्टेक्स हैं, ऑपरेटर कोई और होगा ऑब्वियसली हर फील्ड में, पर इतने इनको एट्रीब्यूट हो जाते हैं. गैस की तरफ आ जाएँ तो उसमें एक मारी बड़ा प्लेयर है, PPL बड़ा प्लेयर है, और OGDC पाको जो एक लिस्टेड कंपनी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% के अराउंड आपकी जो टोटल मुल्क की गैस प्रोडक्शन है उसको एट्रीब्यूट होती है. मारी इज़ क्लोज टू 25% एंड माइट इंक्रीज टू 30% गोइंग फॉरवर्ड. PPL वुड बी 20-22%, और बाकी जो 30% के अराउंड इस OGDC का शेयर. अच्छा, अब इनकी प्राइसिंग किस तरह से होती है एक इन्वेस्टर के लिए वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जिस तरह से मैंने प्रोडक्शन प्रोफाइल बताई, हमारी इज़ मोर स्क्यूड टूवर्ड्स गैस प्रोडक्शन एंड टूवर्ड द अदर एक्सट्रीम इज़ पाको विच इज़ POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, इट इज़ मोर स्क्यूड टूवर्ड्स ऑयल प्रोडक्शन. तो ऑयल की प्राइसिंग इज़ क्वाइट सिंपल. जितने का ऑयल है, फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट में $98 का ऑयल है जो PKR USD की पैरिटी है, विच इज़ क्लोज टू 220-222, वो अप्लाई हो जाएगी जितना दिन का ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा इन फील्ड से. एक चीज़ बस डिफरेंट ये होती है कि जो ऑयल की क्वालिटी है, अरब लाइट अगर बेंचमार्क यूज़ हो रहा है जो हमारी ऑयल प्राइसिंग में यूज़ होता है,
उसकी जो BTU वैल्यू है, जो हीटिंग वैल्यू है, जो भी तल ब्लॉक से फॉर एग्जांपल ऑयल निकल रहा है उसकी हीटिंग वैल्यू कंपेयर होती है कि उधर की हीटिंग वैल्यू कैसी है, तो उस पर डिस्काउंट या प्रीमियम लग के अगर हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको थोड़ी सी अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी उस तेल के ऊपर, अगर उसकी हीटिंग वैल्यू लोअर होगी तो हल्का पुल्का डिस्काउंट लग जाएगा, बट दीज डिस्काउंट्स आर नॉट वेरी सब्सटेंशियल, एट मैक्स 10% के अराउंड होते हैं फील्ड्स के, इतना बुरा तेल नहीं निकलता अरब लाइट से हीटिंग वैल्यू कंपेयर करें। अच्छा, दूसरे एंड पे जो दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है वो है गैस, तो गैस की प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, देयर आर सेवरल पॉलिसीज जो कि 94, 97, 2001, 2007, 2009, 2012 तक आई हैं, तो ज़्यादातर जो आपकी फील्ड्स हैं वह भी हैं 2001 की पॉलिसी के ऊपर जो $36 ऑफ ऑयल के ऊपर कैप हुई हुई है। साथ में अब जो नई फील्ड्स आ रही हैं जैसे कि गंबद साउथ है, मारी की जो नई प्रोडक्शन आ रही है उनका अग्रीमेंट हो गया था, वो 2012 पे शिफ्ट हुई हुई है, तो 2000 मेजर दो पॉलिसीज आपने फॉलो करनी है, एक फॉलो करनी है 2001 की पॉलिसी, एक फॉलो करनी है 2012 की पॉलिसी। अच्छा, ये प्राइसिंग जो है इसका डिफरेंशियल मैं ब्रॉडली बता दूँ, जैसे कि 2000 और उसमें जोन्स डिवाइडेड हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि जोन्स क्यों अलग हैं। ब्रॉडली बता दूँ कि प्राइसिंग अभी के ऑयल पे तकरीबन $3 पे आपकी जो 2001 की पॉलिसी चल रही होगी, उधर से जो गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है वो $3 पे बिक्री होगी, और जो 2012 की पॉलिसी है वो $6-6.5 इस तरह की रेंज के अंदर होंगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो फील्ड नहीं आ रही हैं जिन पर 2012 की पॉलिसी अप्लाई हो रही है, उन कंपनीज पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि उसको प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर मुझे पता चल रहा है दल ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट वेल है और उधर से नई प्रोडक्शन आ रही है तो रिलेटिवली कम ल्यूक्रेटिव होगा फॉर एन इन्वेस्टर कंपेयर टू अ गैस विच इज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम से गंबद साउथ जिस पे 2012 की पॉलिसी अप्लाई हो रही है, और पाकिस्तान को कुछ जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके हिसाब से प्राइसिंग हो रही है। जोन 3 जो है वो थोड़ा सा गैस रिच जोन है, तो उधर जो डिस्काउंट्स हैं वो ज़्यादा अप्लाई होते हैं, उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू आपके ये जो नॉर्थ वाले जोन है, बलूचिस्तान वाले जोन है, कुछ डिस्काउंट्स कम इस वजह से भी होते हैं क्योंकि उधर एक्सप्लोरेशन करना सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से भी डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से आपकी गैस की प्राइसिंग हो रही है, थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ऑयल की तो सिंपली आप सीधे सीधे चले जाएँ, और इधर डिस्काउंट्स भी जो हैं डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ हीटिंग वैल्यू क्वाइट वेरी करते हैं। जैसे तल ब्लॉक की जो गैस है उसकी जो आपकी पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है विच इज़ अराउंड 960 BTUs होते हैं 1 MMCF के अंदर, तो तल ब्लॉक से जो गैस निकलती है उसकी जो हीटिंग वैल्यू इट इज़ मोर देन 1000। सिमिलरली मारी से जो गैस निकल रही है उसकी हीटिंग वैल्यू इज़ 760, तो मारी को तकरीबन 30% ज़्यादा गैस निकालनी पड़ेगी टू फैच द सेम प्राइस कंपेयर टू तल ब्लॉक, अज्यूमिंग के दोनों पे $3 की प्राइसिंग लग रही है उस केस में। तो ये ब्रीफली बता दिया मैंने कि प्राइसिंग किस तरह से हो रही होती है और कितनी प्रोडक्शन किधर स्क्यूड है। खिजर भाई, अब आप दो चीज़ें हमें इससे मिलती हैं फॉर इन्वेस्टर के, दो क्या चीज़ें मैटर करती हैं इन कंपनीज की अर्निंग्स के लिए। एक चीज़ है ऑयल प्राइस की मूवमेंट ज़्यादा मैटर, अगर ऊपर जा रहा है ऑयल तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करना चाहिए जो जिसके रेवेन्यूज़ में ऑयल का कॉम्पोनेंट ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल की प्राइसिंग फ़ौरन हो जाती है, जैसे कि $10 बढ़े तो $10 रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, वेयर एज गैस की प्राइसिंग में कुछ डिस्काउंट्स लग के रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो अगर ऑयल प्राइस गिर रही है और मुझे ENPs पे इन्वेस्ट करना है तो मैं प्रोबेबली इन्वेस्ट करूँगा हमारी की तरफ, अज्यूमिंग सबके मल्टीपल्स वगैरह सेम है तो मैं हमारी की तरफ इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उस पर अर्निंग्स डिक्लाइन का इम्पेक्ट कम है क्योंकि वो गैस प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, वेयर एज ऑयल प्राइस बढ़ रही है तो मेरे लिए पॉल ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाता है क्योंकि उधर पूरी रिफ्लेक्शन दिखेगी मुझे ऑयल प्राइस की। तो इन्वेस्टर के लिए दो चीज़ें ये देखती हैं इन्वेस्टर के लिए कि दो वेरिएबल्स हैं ब्रॉडली स्पीकिंग अर्निंग्स प्रोफाइल को जज करने के लिए, एक है ऑयल प्राइस की मूवमेंट, वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो अच्छा है, नीचे की तरफ जा रही है तो बुरा है। दूसरा है PKR USD की पैरिटी, सिंस डॉलराइज प्राइसिंग है ऑयल की भी और गैस की भी तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही है तो अर्निंग्स में ज़्यादा ग्रोथ आनी चाहिए, अगर PKR स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो अर्निंग्स रिविजन डाउनवर्ड होना चाहिए।
तो ये खिजर भाई ब्रॉडली स्पीकिंग चीज़ें, इसके बाद आप कुछ नेक्स्ट सवाल करेंगे तो फिर उस पर फर्दर एलैबोरेट हो जाएगी चीज़। जी ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच इत्तेज़ाद भाई। आपने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये जो रिजर्व्स कम हो रहे हैं उसकी वजह से भी परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि एज अ ले मैन मुझे याद है जब मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो कि ये OGDC और PPL की तो रिपोर्ट्स हर हाउस से आती हैं और मल्टीपल्स भी बड़े अट्रैक्टिव हैं उसके, तो जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो चार्ट्स पे जब उसको हम देखते हैं तो फॉरएवर वो नीचे ही जा रहे हैं सारे स्टॉक्स। मारी कुछ बेटर परफॉर्म कर रहा है, पोल उससे थोड़ा सा कम है, तो अभी तब अगर लोगों किसी स्पेशलिस्ट को पूछते थे कि इशू क्या है, वो कहते थे जी ये जब तक प्राइवेटाइज नहीं होते इसी तरह रहेंगे। अभी किसी से बात करें तो वो कहते हैं कि हर मसले की जो जड़ है वो सर्कुलर डेट है। तो आपने तो सर्कुलर डेट का अभी नाम नहीं लिया, आपने कहा कि जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा इश्यू है इनके नॉन परफॉर्म करने में, तो सर्कुलर डेट का कितना कंट्रीब्यूशन है? और दूसरा ये कि हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में गैस के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, तो ये कंपनीज जो हैं ये उसमें क्यों अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रही गैस फर्दर एक्सप्लोरेशन में? उसमें कैपिटल का इनको इशू है या कि जिन इलाकों में गैस है वहाँ पे सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं? हाँ जी, अच्छा आपने खुद ही मसले के रीज़न बता दिया कि स्टॉक्स क्यों नहीं परफॉर्म करते। सर्कुलर डेट का नंबर जिस तरह से कोट होता है वो तकरीबन 700-800 अरब के करीब कोट होता है। आई थिंक OGDC के बुक पे इस क्लोज टू 350 बिलियन रुपीज़, और जो PPL के बुक पे हैं वो तकरीबन 350 अरब के ट्रेड डेट्स हैं। तो इधर से ही जितने भी सर्कुलर डेट पार्क हो रहा है अल्टीमेटली आके वो इधर ही हो रहा है, और मेजरली जो मसला है वो गैस की तरफ है, क्योंकि गैस की तरफ मेरे ख्याल से उस तरह से ध्यान दिया नहीं जाता। अभी भी जो IMF की रिक्वायरमेंट्स थी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस तो बढ़ा दी गई लेकिन जो गैस वाली साइड से रिफॉर्म्स से वो नहीं होते हुए देखे, तो इनकी बैलेंस शीट्स कंटिन्यूसली यूज़ हो रही हैं। तो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए काफ़ी बुरी बात है कि एक तो रिजर्व डिक्लाइन के ऊपर हैं, रिजर्व डिक्लाइन के ऊपर हैं तो चले अभी तो मुझे मल्टीपल दिख रहे हैं कि 2 के मल्टीपल पे हैं, 1.5 के मल्टीपल पे हैं, 3 के मल्टीपल पे, व्हाटएवर, बहुत ही डिप्रेस मल्टीपल्स हैं, पर वो जो अर्निंग्स आ रही हैं वो मेरे किसी काम की भी हैं या नहीं है। तो डिविडेंड तो नहीं आ रहा सही है, क्योंकि पैसे फंस रहे हैं पीछे, तो डिविडेंड नहीं भी आ रहा वो इतनी बुरी बात नहीं है एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे दिख रहा हो कि ये पैसे दोबारा जाके इन्वेस्ट हो रहे हैं कंपनी के अंदर, कहीं पे रिजर्व्स फाइंड आउट हो रहे हैं बलूचिस्तान में, नॉर्दर्न साइड पे, फाटा वाली साइड पे, एक्सेट्रा। लेकिन मेरे लिए मसला ये है कि वो पैसे जो हैं फंस रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास फंस रहे हैं तो मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर वो वैल्यू डिस्ट्रक्शन है ना, वो मुझे डिविडेंड दे सकता है ना वो री इन्वेस्ट कर सकता है टू गेन एन हायर ROE। अभी जो T-bill के रेट्स हैं वो क्लोज टू 16% है, तो मैं अगर 6-7% अपना प्रीमियम लगा लूँ इट इज़ क्लोज टू 22-23% का मुझे एज एन इन्वेस्टर रिटर्न चाहिए, या मैं PIB के रेट्स ले लूँ तब भी मुझे 19-20% का एज एन इन्वेस्टर रिटर्न चाहिए फ्रॉम दीज स्टॉक्स, फ्रॉम एनी स्टॉक। तो या तो मुझे डिविडेंड के टर्म्स में दे दे, या अगर वो डिविडेंड नहीं बांट रही कंपनी, 30 रुपये कमा रही है OGDC और 2-3-5 रुपये बांट रही है, बाकी के 20-25 रुपये रोक रही है अपने पास, तो एज एन इन्वेस्टर अगर वैल्यू जनरेट करनी है या वैल्यू उधर भी रखनी है जिधर कंपनी की है, तो आई नीड टू मेक एटलीस्ट 20% ऑन दैट मनी, वरना तो अगर वो T-bill भी लेके बैठ जाए कंपनी तो 16% बना के दे देगी, तब भी एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए वैल्यू डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ क्लोज टू 20%। तो मसला ये है कि वो 16% भी नहीं बन रहा, वो तो गवर्नमेंट के पास स्टक हो रहा है, वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा। अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूँ, 5-6 साल पहले जितने वेल्स ड्रिल होते थे उधर से आधे से भी कम अब ड्रिल हो रहे हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं है कंपनीज के पास। एक डेटा मैं देख रहा था अभी, मैंने जैसे कि आपको हाईलाइट किया कि और जिस तरह से हमने डिस्कशन किया कि दो ही वेरिएबल है ना कंपनीज की परफॉर्मेंस के लिए ब्रॉडली स्पीकिंग, एक तो करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो तो अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, दूसरे ऑयल प्राइस बढ़े तो अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। ऑयल प्राइस तो बढ़ गई तकरीबन $100 की हो गई, सिमिलरली करेंसी जो है वो 230 की हो गई, विद इन द लास्ट 2-3 ईयर्स ही तकरीबन 140-150 से उठ के 230 पे आ गई है, 220-230 की रेंज में आ गई है।
उस हिसाब से अगर मैं ब्रॉडली एज एन इन्वेस्टर देखता तो दीज स्टॉक्स शुड हैव रॉकेटेड. लेकिन मसला वही हो गया कि आपको एक ब्रीफली चीज बताऊं मैं कि बैक इन 2013, 14, 15 या 15 का नंबर भी ले लें तो PPL का नेट जो था कैश स्टॉक मतलब ट्रेड डेबल ट्रेड डेब्ट्स माइनस ट्रेड पेबल्स इट वाज अराउंड 13 रुपीस 10 से 13 रुपए के बीच में था. अभी वो नंबर खिजर भाई सिंस थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर लेते हैं इसको बोरियत ना हो तो कोई भी अगर वाइल्ड गैस कर सके जैसे ना पता हो कि अब वो नंबर किधर होगा ट्रेड डेट्स माइनस ट्रेड पेबल्स का कि नेट पैसे कितने फंसे हुए कंपनी के. PPL की बात कर रहे हैं अभी हम. जी कोई बताना चाहेगा अवेश आपको दूं माइक अब्दुर्रहमान. बहुत ही वाइल्ड गैस करना है और किसी को नहीं पता हो वो बताए. ये एक माइक दिया मैंने कमोडिटी स्टूडेंट को. जी कमोडिटी स्टूडेंट जी शायद 70 और अब गैस करो. सही है. अब ये नंबर जो है ये दिस इज ओवर 100 रुपीस 102 रुपए है FY22 के एंड पे. तो जो मेरे पैसे 13 रुपए फंसे हुए थे वो आज 102 रुपए फंस गए और वो 102 रुपए ऐसे हैं टू अगर इस नंबर को मैं वैसे ही बता दूं तो ये तकरीबन 300 अरब रुपए के करीब का नंबर है. तो 300 अरब रुपए PPL का जो बजट होता था इट वाज यूज टू बी अराउंड 50 बिलियन केपेक्स जो ये करता था एक्सप्लोरेशन के अंदर जब इसने गनबर्ड साउथ वगैरह की फाइंड्स की थी. तो ये तो इसके तकरीबन चले अभी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है तो 70-80 अरब हो गया होगा. लेकिन ये 4-5 साल का जो एक्सप्लोरेशन बजट है वो गवर्नमेंट अपने पास रख के बैठी हुई है PPL का. OGDC का भी नंबर ऐसी था 12-13 रुपए इसके बैक इन 2014-15 फंसे हुए थे नेट डेट्स जो थे ट्रेड डेट्स माइनस ट्रेड पेबल्स. अभी ये तकरीबन 80 रुपए से ऊपर हो गया. तो अगर गवर्नमेंट 3-3, 4-4, 5-5 साल की जो एक्सप्लोरेशन के पैसे हैं वो अपने पास रोक लेगी तो फिर हमारी प्रोडक्शन प्रोफाइल नीचे की तरफ ही जाएगी. जिस तरह के डिक्लाइंस आ रहे हैं 5-5, 10-10% आपकी जो प्रोडक्शन है वो नीचे आ जाती है. तो ये एक्चुअली क्रिमिनल नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट के एंड की तरफ से कि इतने पैसे फंसा दिए इन कंपनीज के. सिमिलरली जो प्राइस परफॉर्मेंस है सिंस इन्वेस्टर थोड़े से स्मार्ट हो गए ओवर द लास्ट 2-3-4 ईयर्स तो वो इस नंबर अर्निंग्स के बजाय वो इस पर ज़्यादा फोकस्ड है कि ये पैसा रिलीज होना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हुए या नहीं हुए जिसकी वजह से पैसे इनको मिलना स्टार्ट हो जाए. तो अभी सिनेरियो तो समझ लें बद से बदतर होता चला जा रहा है. 3 साल पहले जो PPL के पैसे फंसे हुए थे वो 70 रुपये थे वो 30-35% बढ़ गए 100 रुपये से ऊपर हो गए. OGDC के 60 रुपये थे वो तकरीबन 80 रुपये से ऊपर चले गए. तो आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने थे वो हो नहीं रहे और ये ज़्यादातर पैसे जो है गैस की तरफ फंसा हुआ है अराउंड 80-90%. तो आप जब इसकी मार्केट कैप भी देखते हैं ना अभी हमने डिस्कस की दो चीज़ें कि एक तो करेंसी डेप्रिशिएट हो तो अर्निंग्स बढ़ेंगी दूसरा ऑयल प्राइस बढ़े तो अर्निंग्स बढ़ेंगी. जो ऑयल प्राइस रिसेंट हमारी मेमोरी में लो जाता है वो 2016 में जाता है कोविड को अगर एक्स कर दें वो तो ब्रीफली नीचे गई थी ऑयल प्राइसेस तो ऑन एवरेज 30-40 का एवरेज सस्टेन किया था उस पीरियड में. तब हमारा जो मार्केट कैप था सारी ENPs का लिस्टेड वो इट वॉज अराउंड $9.2 बिलियन. ठीक है 43 के ऑयल पे 105 की PKR USD पैरिटी पे आज खेजर भाई कितना होगा ये अंदाजन उस लेवल से अगर उस वक्त $9 अरब था. अभी ये तकरीबन जी जी आप जी, बोल रहे थे अब्दुर्रहमान भाई गेस करें. ये तकरीबन $4 बिलियन पे आ गया. तो आपको दिख रहे वैल्यू डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है. ऑयल प्राइस तो ट्रिपल है उधर से 2.5 टाइम्स क्वेश्चन करने के लिए मुझे कह रहा था. अच्छा तो वाह नहीं हो गया बता दियो सब मुझे. तो उस वक्त वाज अराउंड $40 एवरेज $43 थी आज $98 है
करेंसी उस वक्त 105 थी, आज 225 थी. अब हम तीनों का उसको कैसे आ रहे तो 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 आधे घंटे में आएगा. तो अभी मार्केट कैप इज अराउंड $4 बिलियन फ्रॉम $9 बिलियन, आधे से ज्यादा भी उड़ चुका है. और रीजंस आपको पता चल गए. अब हमें देखना है वे फॉरवर्ड क्या है. क्या अब हमें ये स्टॉक्स ले लेने चाहिए, क्या इधर से रिटर्न्स बन जाएंगे. तो अब हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक तो कैबिनेट के पास जो गैस, अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि तकरीबन जो 80-90% इनके ट्रेड डेट्स स्टक्ड हैं वो हैं टूवर्ड्स SNGPL एंड SSGC. SNGPL भी ये मज़े की बात है कि वो डिविडेंड बड़े बांट देता है और इसको पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता PPL को. तो क्या वो रिफॉर्म्स हो रहे हैं? तो उसका आंसर, शॉर्ट आंसर इज नो. अब नो क्यों है वो कि गैस प्राइस इंक्रीज आया था. अब आपको देखें, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन इसलिए किया था कि आपकी जो शिफ्ट हो रही है इंपोर्ट की तरफ, उसमें हो ये रहा है कि अभी तो आप $15-16 पे जो कार्गोज आ रहे हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के अंडर आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन LNG की प्राइस वैसे जो हो गई है $50-60 पर MMBTU इस रेंज के अंदर है. तो अगर आप नया अग्रीमेंट कोई लॉन्ग टर्म करने जाएंगे तो $25-30 पर MMBTU इस ऑयल प्राइस पे ये पड़ेगा कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट. और उसकी एलोकेशन बढ़ती जाएगी तो रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज प्राइसेस वुड एनहांस. लेकिन अभी जो आपका बैकलॉग है वही क्लियर नहीं हुआ. एक कैबिनेट के पास इंक्रीज पड़ा हुआ है जो कि लास्ट इंक्रीज हुआ था आपका September 2020 में, जो गैस प्राइस इंक्रीज था. अब वो इसके बाद 2 साल के बाद ये इंक्रीज हो रहा है. करेंसी उड़ चुकी है तकरीबन 40% के अराउंड और ऑयल प्राइस उस वक्त ही $50-60 के अराउंड. तो ये तो वाला बैकलॉग है जो आपने फिल करना है. फिर वैकॉक की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही से नहीं हो रही अभी भी. तो उसके बाद वैकॉक की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो एक और प्राइस इंक्रीज आना है. तो दिस इज अ स्पायरल जो कि कंटिन्यूसली आपकी प्राइस इंक्रीज होती रहेगी और वो गैप आपको फिल करना पड़ेगा. डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अच्छी खासी प्राइस इंक्रीज पास ऑन करनी पड़ेगी अगर ये चीज़ आपने सही करनी है. तो ये तो इसका सोल्यूशन है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि आपके पास कुछ रिजर्व निकल आए, जो कि आपकी लास्ट स्टडी हुई थी रिजर्वायर स्टडी किसी बड़े कंसल्टेंट से करवानी होती है आपने, वो आपने 2008 में कराई थी. उसके बाद कोई स्टडी नहीं हुई है. जो लास्ट बड़ी फाइंड थी इट वॉज गंबत साउथ, उधर से भी लेकिन आपको सॉरी झंडियाल थी उसके बाद. उसके रिजर्व तो बहुत कोटेड हैं लेकिन उधर से प्रोडक्शन उस तरह से आती नहीं है. सिमिलरली गंबत साउथ हैज़ ऑल्सो बीन अ डिसअपॉइंटमेंट. तो अब कोट होता है कि ये जो बलूचिस्तान वाले एरियाज हैं, फाटा वाले एरियाज हैं, इधर से कुछ बड़ी फाइंड्स आ सकती हैं. लेकिन उन बड़ी फाइंड्स को निकालने के लिए पहला प्रोसेस तो यही है कि आप ठीक ठाक गैस प्राइसेस बढ़ाएं. तो अभी तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, फिस्कल अकाउंट है, वो इन OGDC PPL की बैलेंस शीट से फिल हो रहा है. तो ये इसका आंसर एज एन इन्वेस्टर जो भी इस पर आउटलुक ले रहा है वो खुद ही दे सकता है. मुझे भी नहीं पता वो होगा या नहीं होगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है. एटलीस्ट मुझे ये दिख रहा है कि शायद 6-8 महीने अगर IMF का पुश नहीं हो तब तक तो ये डिले कर देंगे और किसी तरह से इनकी बैलेंस शीट फर्दर यूज़ करके अपने फिस्कल अकाउंट को फंड करेंगे. फिर शायद नई गवर्नमेंट आए तो एक होप हो सकती है कि उधर आपके पास 5 साल का मैंडेट है तो आप थोड़े मुश्किल डिसीजन लो, 30-40-50% से कंज्यूमर की गैस प्राइसेस बढ़ा दो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो. तब तक तो ये नहीं लगता कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं जब तक गैस प्राइस में बड़ा इंक्रीज ना आ जाए. तो ये आंसर है आपका कि ये क्यों इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हैं. ब्रीफली मैं बता दूं कि एग्जॉन की प्राइस मूवमेंट जो हुई है सिंस जनवरी वो तकरीबन 40-50% होगी. शेवरॉन की भी ऐसी होगी. एक डिफरेंट कंपनी जो है POL, ये तो हम OGDC PPL की बात कर रहे थे, आपने मारी का खुद ही नाम ले लिया कि मारी की परफॉर्मेंस तो रही है या रिलेटिवली बेहतर रही है. तो हमारी में डेवलपमेंट्स भी वैसी आई हैं. इन्वेस्टर जो अच्छा मल्टीपल देगा वो उसी को देगा जो कि कैश अगर बांट भी नहीं रही उस कैश को इन्वेस्ट करके मुझे कुछ आउटपुट निकाल के दे रही है. तो हमारी में वो चीज़ मुझे दिख रही है. एक तो इसका जैसे मैंने इनके बता दिए ना, PPL की स्टॉक प्राइस 58 रुपीज, कैश स्टक्ट इज 102 रुपीज. OGDC की स्टॉक प्राइस 75 रुपीज, कैश स्टक्ट इज अबव 80 रुपीज. मारी की स्टॉक प्राइस 1600 रुपये, उसका कैश कितना फंसा हुआ है? 70 रुपये फंसा हुआ है. उसके पास जो पैसे आ रहे हैं वो या तो डिविडेंड बांट रहा है या री इन्वेस्ट कर रहा है. अच्छा, री इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टर को वो भी दिख रहा है कि उधर से आउटपुट भी निकल रहा है. अभी
GTH प्रोजेक्ट आ रहा है आगे, आधा तो आ चुके, तो 150 MMCFD का इंक्रीज आ जाएगा प्रोडक्शन के अंदर. देख रहे हैं कि बनमू वेस्ट से इसने गैस फाइंड आउट कर ली, उधर से 25 MMCFD आ जाएंगे अगले साल. तो कैश अगर बांट भी नहीं रहा, कम बांट रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि उसका आउटपुट भी कहीं निकल रहा है, वो कहीं गायब नहीं हो रहा. मुझे वो आर ओ ही बना के दे रहा है जो कि मेरे जो कि रिक्वायर्ड आर ओ ही है 20% से ऊपर. तो इन्वेस्ट अच्छी जगह हो रहा है पैसा. ओ जी डी सी एल का पैसा ना मुझे डिविडेंड में मिल रहा है, ना वो इन्वेस्ट हो रहा है. और मुझे आउटलुक भी ऐसा लग रहा है कि ये जब तक मुश्किल डिसीजंस नहीं होंगे तब तक इनकी बैलेंस शीट यूज़ होती रहेंगी. दूसरा स्टॉक है पी ओ एल. पी ओ एल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि उसका मसला है रिजर्व लाइफ का, 6-7 साल के रिजर्व बचे हैं. तो इन्वेस्टर को जो रिस्क है वो ये है कि डिक्लाइनिंग अर्निंग्स प्रोफाइल होगी, तो डिविडेंड्स उतने अच्छे नहीं आएंगे. पर नंदलेस इस पीरियड के अंदर उसने सस्टेन किया है समवॉट, उस तरह से गिरा नहीं है क्योंकि डिविडेंड अच्छा बांट रहा है. और हमारी जो लोकल ईएनपी कंपनीज हैं कंपेयर टू ग्लोबल ईएनपी कंपनीज, कोई भी उठा लें वो एंड टू एंड जाते हैं. एक्सप्लोर भी खुद ही करते हैं, रिफाइनरी भी खुद ही लगाई हुई है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भी खुद ही बेच रहे हैं, या कुछ एक सर्टेन पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास है, तो ओएमसी आम भी अपने पास है. तो एक कंपनी जो आपको दिखती है वो अटक ग्रुप दिखता है कि वो एंड टू एंड जाता है लेकिन थ्रू डिफरेंट कंपनीज जाता है. एक्सप्लोरेशन में पीओएल है, रिफाइनरी में एटीआरएल है, एनआरएल है, और जो एंड प्रोडक्ट है वो एपीएल बेच रहा है. और ज़्यादा फोकस्ड हैं वो कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट की तरफ जो एपीएल है. एमएस बेचता है, डीजल बेचता है, उधर पंप पे बेचा और उधर आपको कैश मिल गया. बीच में गवर्नमेंट की कोई डीलिंग ही नहीं है, तो उसके कैश फ्लोज बेहतर होते हैं, इसलिए वो डिविडेंड बांट देता है. एक्सप्लोरेशन वो उस तरह से कर नहीं पा रहा. तो प्रीमियम तभी मिलता है जब आपको या प्रीमियम या एक उम्मीद के इधर से स्टॉक प्राइस रैली हो सकती है, रिटर्न्स बन सकते हैं, जब आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व हो, कैश फ्लो कम फंस रहा हो, अर्निंग्स या तो मुझे डिविडेंड में मिल रही हो सब्सटेंशियल पोर्शन या री इन्वेस्ट हो रही हो. तो जी डी सी पी पी एल की परफॉर्मेंस इसलिए इतनी गंदी रही है कंपेयर टू अदर ई एन पीज एंड ग्लोबल ई एन पी कंपनीज. जी थैंक यू. जी थैंक यू इत्तेजाद भाई. मुझे लग रहा है आप मेरा आप टेलीपैथी में भी माहिर है, मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चन पहले आंसर कर रहे हैं. थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था उसको थोड़ा सा रेफ्रेज करूंगा कि एज ए लेमैन मैंने कई दफा ये क्वेश्चन पूछा था अपने दोस्तों के कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह उठता हूँ देखता हूँ चार्ट पे के क्रूड ऑयल तो ऊपर जा रहा है, पी के आर डेप्रिशिएट हो रहा है, और जो क्राइसिस है ये यूक्रेन वार वाला, यूरोप वाला गैस का, तो प्राइसेस तो वो भी ऊपर जाएंगी, लेकिन जो हमारे स्टॉक्स हैं उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया. अगर आप वॉर्न बफे को देखें वो ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम और शेवरॉन उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है. तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ये क्वेश्चन कि हमारी कंपनीज के अपने इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म कर पा रहे. जी खेजर भाई, और आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ब्रीफली स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि हमारी प्राइसिंग किस तरह से होती है. तो अगर यूरोप में गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे नहीं आएगा कि हमारे शेयर्स भी ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएं कि इनको भी अच्छी गैस प्राइसिंग मिलेगी. हम गैस एक्सपोर्ट तो करते नहीं है, नेट इम्पोर्टर हैं, ऑयल भी हम नेट इम्पोर्टर हैं. ऑयल का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट आएगा, गैस का रिफ्लेक्शन आएगा थ्रू ऑयल. तो हमें फॉलो तो सिर्फ ऑयल प्राइस को करना है. गैस की अगर शॉर्टेज हो रही है यूरोपियन नेशंस के पास और वो कोल और ऑयल पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑयल की डिमांड बढ़ जाए और ऑयल की प्राइस बढ़ जाए, ये व्यू ले रहा है इन्वेस्टर, तब तो सही है. लेकिन अगर गैस की प्राइस मूव हो रही है तब हम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, इससे आपने एक और चीज़ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो फ्लॉ है वो एक और हाईलाइट कर दिया है. कुछ जगह फ्लॉ तो नहीं कहूँगा, पर फ्लॉ तो वो फिस्कल साइड से ज़्यादा है, लेकिन कुछ जगहों पर या ज़्यादातर जो ग्लोबल डेवलप्ड नेशंस हैं उधर जो प्राइसिंग होती है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट पावर की साइड पे करना चाह रही है और डीरेगुलेट करना चाह रही है आपके ऑयल प्रोडक्ट्स को. शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर अगर डीरेगुलेशन हो जाती है तो गैस की प्राइस भाई जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है उस हिसाब से आपको मिल जाएगी. सही है, ऑयल की जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है जिधर इक्विलिब्रियम हिट हो रहे उस प्राइस पर मिल जाएगा, तो उससे भी काफ़ी मसले हल हो जाते हैं. शायद हमें थोड़ा सा वो एनआरकी वाली सिचुएशन हो जाए, इतनी प्राइस बढ़ जाए
कि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही हूँ तो स्लो एंड स्टेडीली हो सकता है, लेकिन वैसे ये डेवलप नेशंस में ये होता है कि आपको 4-5-10 प्रोड्यूसर्स हैं सही है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, सबके रेट्स आ रहे हैं, आपको जो रेट सही लगे उससे बाय कर लें आप इलेक्ट्रिसिटी, तो उधर गैप्स जो हैं ये वाले सब्सिडी प्लग इन करने वाले गैप्स वो रिलेटिवली कम हो जाते हैं, जो कि आपके नेशंस में अभी नहीं हो सकते ऑब्वियसली, क्योंकि पॉवर्टी थोड़ी सी ज़्यादा है और ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस ही हो सकता है कि आप सब्सिडी कम करते जाएँ। पहले मार्केट इक्विलिब्रियम पे प्राइसेस खुद ही लेकर आए रेगुलेट करके गवर्नमेंट, उसके बाद मार्केट फोर्सेस पे छोड़े तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी कि ब्रीफली सिंस इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटेल लेवल पे ज़्यादा हैं इतने, तो हम चाह ये रहे थे कि छोटी सी एक्सरसाइज कर लें कि ये प्राइसिंग होती किस तरह से, कि आपको कोई डिस्कवरी देखे 1000 barrels पर डे की या 10 MMCFD की तो आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो खिजर भाई वो 5 मिनट की एक्सरसाइज है, अगर हर कोई अपने कैलकुलेटर पे कर ले जिसको इसका आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं उसके बारे में। सही एंड पे कर लेते हैं। अच्छा इत्तेजाज भाई, एक क्वेश्चन ये था मेरे माइंड में, आपने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया कि मैं नया नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे रिपोर्ट्स आती हैं कि जितने भी इस सेक्टर के कंपनीज हैं उनके मल्टीपल बड़े अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये कंपनी बाय कर लेता हूँ सर्कुलर डेट ठीक हो जाता है, दूसरी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मेरे तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो आप इसको ये समझेंगे कि मैं जस्ट सट्टा कर रहा हूँ या एक तरह का गैम्बलिंग ही है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो चीज़ें फिक्स इतनी जल्दी नहीं होती। मुझे याद है 1992 में जब कहीं मैं क्रिकेट देखता था तो हम बात करते थे अगर हमारी टीम फील्डिंग अच्छी कर ले तो ज़बरदस्त टीम बन जाएगी, तो आज भी वही बात करते हैं कि फील्डिंग अच्छी कर लें। तो क्या दो क्वेश्चन है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं, और दूसरा ये कि अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है इस सेक्टर में तो आपके ख्याल में एक चेकलिस्ट क्या है इजी फॉर लेमैन, या कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको मैं देख लूं इन्वेस्ट करने से पहले। सही है। अच्छा, आप जिस तरह से आपने पहले वॉरेन बफे को कोट किया था तो इस बार मैं कर देता हूँ कि वॉरेन बफे का एक कोट है, इन्वेस्टमेंट इज लाइक सीइंग ग्रास ग्रो, तो इट इज़ एन स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। आपने जिस तरह से कहा कि वो सट्टा कर रहे हैं तो सट्टा तो नहीं है ये, अगर आपको क्विक गेंस चाहिए तो वो सट्टा है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मुझे इधर 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो तो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, कि लेकिन वो थॉट आउट होनी चाहिए कि ये मसले मैंने आपको बता दिया ना, ये मसले किस तरह से चले। बैक इन 2016 भी कोई सोच लेता कि यार ये मसले तो अगले 5 साल में हल हो जाएंगे, या 2018 में भी सोच लेता, तब PPL के तकरीबन 30 रुपये फंसे हुए थे, ठीक है ना, मैंने कहा यार इतने तो ये तो 80-100 अरब रुपये फंस गए हैं, ये तो इसके 1-1.5 साल का एक्सप्लोरेशन बजट है जो कि गवर्नमेंट ने अपने पास रोका हुआ है, तो ये तो अल्टीमेटली सही हो जाएगा, इनको पैसे भी रिलीज हो जाएंगे और साथ में जो है ये जो गैस प्राइसेज हैं वो भी बढ़ जाएंगी एक्सेट्रा। लेकिन उस वक्त मैं ये कॉल लेता 2018 में तो आई वुड हैव बीन वर्स ऑफ, क्योंकि उस वक्त 30 रुपये फंसे हुए थे, आज 100 रुपये फंस गए हैं, OGDC के भी 30 रुपये के अराउंड फंसे हुए थे, आज वो 80 रुपये से ऊपर फंसे हुए हैं। तो इधर से क्या आउटलुक है, इधर से आपको कॉल तो सिंस हमारी ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं लिस्टेड बिजनेसेस भी वो रेगुलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने अल्टीमेट कॉल तो गवर्नमेंट के एक्शन पे लेनी है, और वो एक्शन जो है कभी कभार एक सेन बंदा तो इसी तरह से सोचेगा ना कि दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है ना, अगर मैंने 5 साल का एक्सप्लोरेशन बजट ही रोक के बैठा हूँ अपनी ENPs का, और मुझे दिख रहा है कि ऑयल की भी डिक्लाइनिंग प्रोफाइल है, गैस की भी डिक्लाइनिंग प्रोफाइल है, मुझे LNG पे ज़्यादा शिफ्ट करना है जो कि मुझे कार्गोज मिल नहीं रहे, जो कार्गोज मिल रहे हैं वो 4-5 times प्राइसिंग पे मिल रहे हैं, तो अल्टीमेट एक सेन बंदा तो ये कहेगा कि आई नीड टू सॉल्व दिस आइदर थ्रू फंडिंग सब्सिडीज, या फिर मैं गैस प्राइस बढ़ा दूँ और एक झटका दे दूँ मासेस को, 1000 एक ऑयल पेट्रोल की प्राइसेस भी तो बढ़ाई थी, 150-250 तक चली गई थी, तो गैस की यूँ नहीं बढ़ सकती, तो गैस की भी बढ़ सकती हैं, लेकिन आपने कॉल लेनी है गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि एक रेगुलेटेड बिजनेस है। अब वो कोई भी इन्वेस्टर कुछ भी कॉल ले सकता है, लेकिन कोई इन्वेस्टर अगर ये कॉल ले रहा है कि यार आज मैं ले लेता हूँ PPL OGDC और साल भर में तो ये मसले हल होने नहीं है,
तो वो थोड़ी सी अग्रेसिव कॉल होगी, आपको कॉल फिर लेनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और अगर सॉल्व हो जाएंगी तो इनमें जिस तरह से आपने कहा कि सिग्निफिकेंट अपसाइड है, ये तो ट्रिपल भी हो सकते हैं, 30-35 रुपए की अगर अर्निंग्स हैं किसी कंपनी की और वो 60-65-75 रुपए पे ट्रेड कर रही है तो मल्टीपल्स तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, लेकिन वो रियलाइज कब होता है कैश में, वो किसी की अपनी कॉल हो सकती है, उस पर आपने कॉल स्टॉक पे या किसी एनालिस्ट पे नहीं लेनी, वो आपने कॉल गवर्नमेंट के दिमाग पे लेनी है कि वो किस तरह की डिसीजन मेकिंग करती है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है, थ्योरी क्या है, ये तो नंबर से ही प्रूव होता है कि सिंस 75-80% गवर्नमेंट के पास ही होल्डिंग है तो ये कैश लेके डिविडेंड भी बांटेंगे तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एंड अप होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक सर्टेन पोर्शन शुड गो टू एक्सप्लोरेशन ताकि कुछ रिजर्व्स निकलें, कुछ फ्लोज निकलें और थोड़े से मुल्क की इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस जो है वो कम हो, तो एक सेन माइंड तो यही कहता है ये चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एक झटका तो नहीं मिलेगा मासेस को, स्लो एंड स्टडीली होगी, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि वो कहीं से तो प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो स्टार्ट होना भी स्टार्ट हो तो मैं PPL 60 रुपये पे 70 रुपये पे ले लूँगा, 80 रुपये पे ले लूँगा जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ रही माइंड्स के अंदर कि यार वो प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया कि गैस प्राइसेस बढ़ेंगी हर साल 20-30% से एंड 3-4 साल बाद जाके ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, तो ये मसला है कि अब कॉल आपने खुद ही लेनी है कि ये कब सॉल्व हो गए मसले, और ना ये सीधा, और जिस तरह से आपने कहा ह्यूमंगस अपसाइड है, अगर ये चीज़ अदरवाइज सॉल्व हो जाती है ना तो मैं तो 3 स्टॉक लेके बैठ जाऊँगा, OGDC, PPL और PSL, कि मुझे कोई कन्विक्शन से बोल दे यार ये चीज़ें तो 5 साल में भी सॉल्व हो जाएंगी, तब भी मैं ये 3 स्टॉक्स लेके बैठ जाऊंगा। सही, जबरदस्त। इत्तेज़ाज भाई, जस्ट एक क्वेश्चन आया कि अगर पोल का बैलेंस शीट क्लियर है, कोई इतने रिसीवेबल नहीं है और नीचे उनका जो सप्लाई चेन है या इकोसिस्टम है वो भी अपना है, तो वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे फर्दर गैस में? अच्छा, इन्वेस्ट करने के लिए एक तो मोटिवेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हपको के ENI के ऑपरेशन हपको बाय कर रहे, ठीक है, अब उनको दिख रहा होगा प्रोबेबली एक तो कैश फ्लो ये वाले मसले तो हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अब POL जो है हिस्टोरिकली वो थोड़ा सा डिविडेंड पे ज़्यादा फोकस रहे और एक्सप्लोरेशन पे कम फोकस रहे, एक दो इनकी फाइंड्स ही उधर इनको, जैसे जंदियाल वॉज एटलीस्ट ऑन पेपर सुपर फाइंड, लेकिन उधर से फ्लोज उधर इतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो प्रॉबेबली जो आउटलुक है अटक ग्रुप का, इट इज़ मोर टूवर्ड्स पेइंग बैक टू द होल्डर्स रादर देन इन्वेस्टिंग बैक। देखें, एक इन्वेस्टर है, सही है, अभी आप PPL OGDC अगर ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको फॉर एग्जांपल PPL के 300 अरब रुपये फंसे हैं ना, इसको ये दे दे गवर्नमेंट 300 अरब रुपये, PPL क्या करेगा आपके ख्याल से? वो दोबारा इन्वेस्ट करेगा? वो डिविडेंड बांट देगा अपने शेयर होल्डर्स को? आप POL या एग्जैक्टली मारी भी अच्छा खासे बांट रहा है, 120 के ऊपर मेरे ख्याल से बांटे थे डिविडेंड, उससे पहले 140 के करीब था, लेकिन मारी इन्वेस्ट भी कर रहा है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्पॉन्सर ऑफ द कंपनी, अगर मुझे दिख रहा हो कि यार मैं एक्सप्लोरेशन तो कर लूँगा, अगर गैस निकल आई या से ऑयल भी निकल आया, तो मसले इतने हैं गवर्नमेंट के एंड से कि मेरे भी पैसे फंसते हैं, स्टार्ट ना हो जाए। अभी तो मेरा, मैं ऑयल रिच हूँ तो मेरा पूरा फ्लो बना हुआ है, ठीक है, कि मैं ऑयल निकालता हूँ, ATRL को देता हूँ, ATRL APL को देती है सिग्निफिकेंट पोर्शन, APL वो प्रोडक्ट्स बेचता है जो कि ज़्यादा कंज्यूमर सेक्टर के, गवर्नमेंट से कुछ डीलिंग नहीं है, लेकिन कल को मैंने गैस निकाल ली, ठीक है, मैं कोई लाइसेंस ले लेता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे गैस का पोटेंशियल ज़्यादा है, गैस निकाल ली तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो दोनों स्टेट ओन्ड है, SNGPL एंड SSGC, तो उधर तो मेरा कैश स्टक होना ही होना है। तो एक रीज़न तो ये है कि नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दूसरा रीज़न ये है कि उस तरह के लाइसेंसेज नहीं है मेरे पास जो कि हाई पोटेंशियल जोन्स हो, तो ड्राइवेल ज़्यादा निकलेंगे, तो ड्राइवेल ज़्यादा निकल रहे हैं, एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड ये भी रखनी है आपने कि POL के जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं, 6-7 साल के रह गए हैं,
कि अगर इसी बेस पे गए तो 3 साल बाद आपको एक अर्निंग्स डिक्लाइन भी दिखेगा, पहले थोड़ा सा लेस सीवियर होगा लेकिन उसके बाद शायद तेजी से गिरे. तो अगर वो एज एन इन्वेस्टर एज ए स्पॉन्सर वो भी चीज़ सोचनी है POL की मैनेजमेंट को कि भाई हमारे पास 7 साल बाद तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो अभी हम एक्सप्लोरेशन में पैसे लगा दें, ठीक है, हाई पोटेंशियल जोन में घुस जाएं, उधर ड्राइवेल के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है, ड्राइवेल निकलते गए मैंने 20-30 अरब पैसे ज़ाया कर दिए, तो उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं ये डिविडेंड में बांट दूँ अपने शेयर होल्डर्स को, रादर देन इन्वेस्टिंग बैक सही है एंड टेकिंग द रिस्क ये सारे ड्राइवर्स निकल के मेरे पैसे भी उड़ सकते हैं. तो एक्सप्लोरेशन करता है POL लेकिन ऑब्वियसली इतना अग्रेसिव नहीं कंपेयर टू अदर्स. सही इत्तेजाज भाई, जितनी आपने बातें बताई हैं ना, दीज वर ऑल न्यू फॉर मी. जो भी थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया है लर्न करने के लिए, ये चीजें मुझे नहीं मिली किसी रिसर्च रिपोर्ट में जो आती हैं. तो ऐसे आना लाइटर नोट, आप जो रिसर्च रिपोर्ट बना के भेजते हैं अपने क्लाइंट को, तो ये सारी पिक्चर लिखी होती है उधर, या वो भी वैसी रिसर्च रिपोर्ट होती है? नहीं एक्चुअली गैस पे तो हम काम कर रहे हैं अभी, लेकिन पावर पे हमने बहुत डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी बैक अ मंथ बैक, उसमें पूरी सर्कुलर डेट की पोजीशन थी इस पावर टैरिफ्स इंक्रीज होने के बाद किस तरह की प्रोडक्शन होगी और किस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. तो अभी पावर की साइड पे भी मैं बता दूं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि उधर भी एक बैकलॉग है, कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी पूरी नहीं होंगी क्योंकि अभी कैनअप का प्लांट भी आ गया है, फिर 2-3 थर्के आए हैं, और तो उस तरह से आपकी कैपेसिटी और जो एनर्जी पेमेंट्स है, सिंस ये फैब का जो नोटिफिकेशन था नेप्रा की तरफ से, इट वॉज इशूड बैक इन फेबररी, तो उस वक्त जो कमोडिटी प्राइसेस थी, जो PKR USD की पैरिटी थी, वो थोड़ी सी इनफैक्ट काफ़ी अलग थी और अभी काफ़ी चेंज हो गई है. तो जो बैकलॉग है वो अभी भी चल रहा है. एक अब इसके पास आपके पास सिल्वर लाइनिंग यही है, इस तरह हम मुल्क के लिए भी कहते हैं तो ये पावर और गैस के लिए भी यही है कि आप दुआ करें कि कमोडिटीज़ क्रैश हो जाएं. कमोडिटीज़ क्रैश हो जाएंगी तो आपका एक्सटर्नल अकाउंट भी सही होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पावर टैरिफ थोड़ा सा बेस टैरिफ को चेंज करना पड़ेगा, एनर्जी से कैपेसिटी की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा, लेकिन पावर टैरिफ्स की तरफ से सिंस आप कंज्यूमर को वो पास नहीं करो बेनिफिट, तो पावर टैरिफ्स का मसला तो हल हो जाएगा. जी, लेकिन ये नीचे गिरती हैं तो ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, तो जो ये कैबिनेट के पास अप्रूवल रखा हुआ है वो मैंने आपको बताया, ये 2020 के बाद अब गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी नरमी आ सकती है क्योंकि अभी जो प्राइसिंग हो रही है ऑब्वियसली अभी के ऑयल प्राइस के हिसाब से हो रही है जो कि गैस प्राइस ऑयल से लिंक्ड है, तो उधर से आपको एक लेवरेज मिल जाएगा. फिर आपकी LNG की जो कार्गोज हैं वो थोड़े से नीचे आने स्टार्ट हो जाएं, तो वैकॉक की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो भी ज़रा स्मूदर होगी, कंज्यूमर्स को ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो अभी पढ़ने वाला है. जी इत्तेजाज भाई, थैंक यू वेरी मच. टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरा जो नज़र है वो टाइम पे भी है, आपने कहीं जाना है 10 बजे, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं. आई एम फीलिंग गिल्टी एंड वेरी सॉरी के क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इत्तेजाज भाई एक एक्सरसाइज करवाना चाह रहे थे, अगर आप अपने अपने कैलकुलेटर ले लें तो हम इत्तेजाज भाई की एक एक्सरसाइज क्विक कर लेते हैं. उससे पहले लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है इत्तेजाज भाई के, जो UAE ने कमिटमेंट की है कि वो बाय करेंगे हमारे ये वाले शेयर्स जो इस सेक्टर के अंदर, और उसके अलावा जो OGDC वगैरह का रेकोडेक का भी एक आ रही थी न्यूज़ वगैरह, तो इन चीज़ों को आप देखते हैं कि मटेरियलाइज हो सकती हैं, या अगर हो भी जाती हैं तो इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से? अच्छा, ये UAE वाली चीज़ जो है, अगेन ये मटेरियलाइज होना इतना मुश्किल तो नहीं है, जिस तरह से अखबार में हम भी पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हैं कि वो इतनी बुरी डील नहीं थी कि 10% देना आपने, और जो है वो बायबैक ऑप्शन 10% अबव द प्राइस. तो अभी इन्वेस्टर आपका OGDC PPL तो ले नहीं रहा, सही है, तो किसी और को दे दो, वो ये कैश फ्लो की पोजीशन देख के भी इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, तो आई थिंक दे देने चाहिए. और जो आप इनफैक्ट ये तो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग एंटिटीज़ तो आप दे ही सकते हैं. इसका फ़ायदा क्या होगा, कैश इनफ्लो डॉलराइज टर्म्स में रिजर्व तो इतने शोरअप नहीं होंगे 10% स्टेक बेचने से. एक फ़ायदा बस ये हो सकता है कि जिस तरह से बात हो रही थी PIA कतर एयरवेज ले ले, तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाती है ऊपर,
तो वो ज्यादा पुश करती है. अब इनके पास कैश फ्लो नहीं है, मसला ये है कि वो अगर प्रोबेबली मतलब मैं आई एम थिंकिंग आउट लाउड के यूएई आता है तो वो क्या करेगा. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में शायद वो अपने पैसों पे यूएई गवर्नमेंट कोई कंसल्टेंट हायर करे और वो कोई एक्सप्लोरेशन स्टडी करवाए, क्योंकि वो जीडीसी के पास वो पैसे नहीं है, तो वो एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करके एक्सप्लोरेशन स्टडी करवाए, रिजर्वायर स्टडी करवाए कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है ऑयल और गैस का, और फिर वो एरियाज आइडेंटिफाई करके उधर एक्सप्लोरेशन के प्लान बनाए कि इधर से हम एक्सप्लोर करते हैं कि गैस निकल जाए ऑयल निकल जाए. अब लेकिन उसमें अल्टीमेटली मसला ये आ जाता है ओजीडीसी के पास पैसे नहीं है, तो अगेन लंबी सोच रहा हूँ कि शायद यूएई ये करे जो सोवरेन फंड है कि वो एक बड़ा राइट अनाउंस कर दे कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, हमें लग रहा है कि इधर से एक एरिया से लाख बैरल्स पर डे निकल सकते हैं, तो हम राइट इशू करते हैं, राइट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो सब्सक्राइब नहीं करेगी, सब्सक्राइब नहीं करेगी तो यूएई गवर्नमेंट खुद सब्सक्राइब कर देगी, तो कैश इनफ्लो भी आ जाएगा डॉलर के टर्म्स में, एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगी. अगेन मैनेजमेंट स्टेक इनके पास नहीं जा रहा तो वो डिसीजन खुद नहीं ले सकते, ऐसी कोई स्टडी करवा के गवर्नमेंट का आवाज ही जाना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो हम इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू अ राइट इशू, या गवर्नमेंट अपना स्टेक और हमें भेज दे. स्टेक भेजने तो खैर नहीं आएंगे पैसे, वो तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पर एक राइट इशू पे उसके बाद बात हो सकती है कि हम इंजेक्ट करेंगे सारे पैसे, हमारी होल्डिंग बढ़ जाएगी ओजीडीसी के अंदर, एंड वी विल यूज दैट मनी टू एक्सप्लोर इन दैट एक्स वाई जी एरिया, उसमें आपके जो मुल्क है वो भी फायदा हो जाएगा. लेकिन अगेन ये तो बहुत लंबी बात है कि वो एक कंसल्टेंट हायर करें, एक्सप्लोरेशन स्टडी करवाएं और आपके पास उतने रिजर्व्स निकल आए, तब ये बात की बात है, पर ये अगेन ये फायदा हो सकता है उससे. सही. और रेकॉर्डिक वाली चीज जो है वो थोड़ी सी लंबी है. अगेन ओजीडीसी पीपीएल इन लोगों के पास कैश इनफ्लो होगा तभी उधर इन्वेस्टमेंट होगी और तभी कोई आउटपुट आएगा, तो सब चीजें लिंक्ड हैं. तो हमारा क्रस जो इतनी बड़ी डिस्कशन का निकला वो ये निकला कि इन्वेस्टर को ऑयल प्राइस की मूवमेंट देखती है, करेंसी की मूवमेंट देखती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गैस प्राइस जो लोकल है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, ये देख जाए अखबार में कि हाँ यार ये इंक्रीज हो गई है, तो बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है. सही. इत्तेजाज भाई हमारे पास लास्ट 5 मिनट रह गए, एक्सरसाइज कर लें या आप कोई बोनस मिनट्स दे देते हैं ताकि एक दो क्वेश्चन दे दें, कोई अर्जेंट है किसी का, क्रिटिकल है तो. जी जी ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चंस ले लेते हैं. सही सही. अच्छा अगर किसी ने अपना क्वेश्चन करना है तो प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज ब्रीफ रखें क्वेश्चन को ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ले सके. दानियाल गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपने सारी सिचुएशन बताई है इट्स क्वाइट अ ग्लूमी पिक्चर फॉर एन इन्वेस्टर, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो हैविली इन्वेस्टेड हैं इन ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर, टॉप के 5 के अंदर जो है वो 3 ऑयल एंड गैस है, तो ये सारे सर्कुलर टाइप के इश्यूज तो उनको हमसे ज्यादा बेहतर पता है, तो उनको ऐसी क्या सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है जो जिसके ऊपर वो बैंक करके बैठे हैं? थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम दानियल. अच्छा ये तुमने सही हाईलाइट किया, ये एक्चुअली एक रिस्क भी है इस सेक्टर के लिए. रिस्क इस तरह से कि जब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है, ठीक है ना, बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइस मूवमेंट एक्सेट्रा, तो प्रोबेबली जो म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर लो ऑन साइक्लिकल्स, ठीक है, सीमेंट्स में एक्सपोजर कम है, स्टील में कम है एक्सेट्रा, तो इधर से ऑयल फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं $60 पे, एक्सटर्नल अकाउंट सही होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेट्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दे विल मूव देयर होल्डिंग्स टू दीज साइक्लिकल सेक्टर्स विच हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग इन दोज सिनेरियोस, तो उधर ये बेचेंगे तो एक लिक्विडिटी क्रंच भी आ सकता है कि इधर से सेलिंग आ रही है शेयर्स के अंदर. पर अब उनको क्या लग रहा है, उन्होंने इतनी एक्सपोजर क्यों बढ़ाए, तो रीज़न ये है कि जिस तरह से मैं कह रहा था कि 2018 में बैठ के हम भी सोच सकते थे मैं और तुम कि यार ये 30 रुपये फंसे हुए हैं, 3 साल का एक्सप्लोरेशन बजट, 2 साल का PPL का ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, तो वॉट वर्स कुड गो फ्रॉम हेयर, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो देव बीन कॉट ऑफ गार्ड, क्योंकि ये तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बन गई ना कि यार करेंसी भी ऊपर जा रही है और आपके जो डॉलर है वो आपके ऑयल प्राइस है वो भी ऊपर जा रही है, तो ये तो लैंडलाइट में रहना चाहिए सेक्टर. लेकिन कैश फ्लो की जो पोजीशन है, गवर्नमेंट की
inability to pass on the prices, वो मिसजज कर रही है म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल से. और ये है कि पहले आप एक्सपोजर ले लेते हो, तो फिर आप फॉर एग्जांपल 150 पे अगर लिया था, मुझे याद है 165 रुपीस पे एक लेजार्ड की डील हुई थी, AHL ने करवाई थी और ज़्यादातर उसमें म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने लिया था. साल में बोल के शायद 2018 था. तो आपने अगर 150 रुपये पे ली हुई एक चीज़ और वो 100 की हो गई, तो फिर आप ये भी आउटलुक बनाते हो कि इधर एवरेज आउट कर लेते हैं, 50% तो गिर चुका है स्टॉक, इधर से और कितना गिर जाएगा. तो ये कुछ इट इज़ नॉट जस्ट इनका ग्लूमी आउटलुक, बट इट इज़ ऑल्सो योर सिस्टमेटिक फैक्टर्स कि आपकी जो एक्सटर्नल अकाउंट की पोजिशन है, मैक्रो इकोनॉमिक पोजिशन है, आपके मल्टीपल्स वैसे ही 4-5 के मल्टीपल पे तो मार्केट ट्रेड कर रही है. तो ये सेक्टर जिसका आउटलुक थोड़ा सा बुरा है तो ऑब्वियसली थोड़े से डिस्काउंटेड मल्टीपल्स पर ट्रेड करेगा. अगर यही मार्केट नॉर्मल मल्टीपल्स पे होती 8 के, तो ये प्रोबेबली 6 के मल्टीपल पे होते. PPL 150 से 50-55 रुपए का नहीं होता, शायद नीचे ही होता, 150 से शायद 120 पर ट्रेड कर रहा होता. पर कुछ सिस्टमेटिक फैक्टर्स भी हैं और कुछ ये वाले फैक्टर्स भी हैं. तो आपने इन्होंने पहले से एक्सपोजर लिया हुआ था तो एवेन्यूज नहीं दिख रहे थे, साइक्लिकल्स की लग रही थी बुरी हालत होगी क्योंकि रेट्स ऊपर जा रहे हैं, एक्सटर्नल अकाउंट खराब हो रहा है, ग्रोथ आपकी स्लो डाउन पे जा रही है, तो आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है. बाय रेगुलेशन दे नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 70%. तो एक बैंक दिख जाते हैं आपको, एक ENP दिख जाता है, एक IT आपको दिख जाता है और टेक्सटाइल दिख जाता है. तो ये 4-5 एवेन्यूज हैं. ये लिक्विड ज़्यादा हैं ENPs, कुछ बैंक्स लिक्विड ज़्यादा हैं, तो इधर ज़्यादा फ्लो आ जाता है, तो इसलिए एक्सपोजर बढ़ गया इनका. तो जब और एक थोड़ा सा कंसर्न है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कि सिंस चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो ये रियलाइज कब होंगे, या तो इनको बेचना पड़ेगा, बेचेंगे तो और प्राइसिंग प्रेशर आएगा. थैंक यू अर्शद भाई. MT प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, एक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम ये प्रोलॉन्ग्ड सर्कुलर डेट है, इसका अब व्हाट इज द सॉल्यूशन? डू यू थिंक कि डीरेगुलेशन का जो अभी ये प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक डीरेगुलेशन की ऑप्शन इसको स्टडी किया जा रहा है, तो इज दैट अ गुड सॉल्यूशन फॉर द सर्कुलर डेट? उससे फर्क पड़ेगा क्योंकि फर्नेस ऑयल इज नॉट इज अभी फर्नेस ऑयल ऑलरेडी डीरेगुलेटेड है, लेकिन ये जो है पेट्रोल एंड HSD इज नॉट, दे आर रेगुलेटेड, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा सर्कुलर डेट को कम करें? सेकेंडली, कैन दे नॉट इशू बोनस शेयर्स? इज दैट नॉट अ गुड सोल्यूशन कि अगर गवर्नमेंट इन कंपनीज के बोनस शेयर्स इशू करती है तो उससे मार्केट भी हमारी इम्प्रूव करेगी, वॉल्यूम्स भी आ जाएंगी और वैसे भी एक इन्वेस्टर को इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगी अगर बोनस शेयर्स OGDC के, PPL के, इवन मारी का अगर वो इशू करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और थर्ड चीज, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि डू यू थिंक इट इज टाइम टू री रेट दीज कंपनीज? किया हमने के जब ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई और करेंसी भी हमारी काफी डिप्रिशिएट हो गई, तो इनकी री रेटिंग नहीं होनी चाहिए? जी वालेकुम अस्सलाम. जी आपके 3 सवाल थे. अब ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरेटिकली तो हम बता सकते हैं, पर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस तरह से आएगा वो थोड़ा सा गौज करना मुश्किल है. जैसे कि डीरेगुलेशन है तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो एक अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट हट जाएगी, वो अपना फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस पे बता देगी PDL 50 रुपये है, सेल्स टैक्स 17% है, मार्केट फोर्सेस खुद ही डिटरमिन कर लें कि किस प्राइस पे बिकना ही है. लेकिन आपकी सिचुएशन में ये होता है कि ऑयल पे तो आप कर सकते हो मार्केट फोर्सेस पे, लेकिन गैस पे ये मसला है कि गैस प्राइसेस अभी आप $1 पे गैस सप्लाई कर रहे हो कंज्यूमर को, जो आपके घर में गैस आती है, और जो LNG के कार्गोज हैं वो $50-60 के हैं, जो आप लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में इंपोर्ट कर रहे हो वो 16-18 के, जो आप ENP कंपनीज को दे रहे हो वो तकरीबन $3-60 की रेंज में आप सप्लाई कर रहे हो. तो इधर डीरेगुलेशन हो जाती है तो मतलब 5-6 टाइम्स आपकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो इधर करना मुश्किल है.
पेट्रोल वाली साइड पे एमएस और डीजल वाली साइड पे इज रिलेटिवली ईजियर. उसके डायनामिक्स किस तरह से पुल ऑफ होते हैं शायद अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि 50% से के अराउंड जो है वो पीएसओ के पास शेयर है. तो पीएसओ इज अ गवर्नमेंट एंटिटी, तो पीएसओ वुड बी द मार्केट सेटर फॉर पेट्रोलियम प्राइसेस. तो होगा तो अच्छा अल्टीमेटली पूरी इकॉनमी के लिए, इकॉनमी एज एन मुल्क के लिए, कि मार्केट फोर्सेस ही डिमांड डिटरमिन कर लें, क्योंकि जितनी स्टेट इंटरवेंशन कम होती है उतना ज़्यादा बेहतर रहता है. अनटिल एंड अनलेस कोल्यूजन हो रहा हो जिस तरह से कुछ सेक्टर में होता है. उसके अलावा तो सही है. दूसरी बात आपकी जो थी बोनस शेयर्स की, बोनस शेयर्स हाँ इशू कर सकते हैं, पर अगेन थियोरेटिकली स्पीकिंग बोनस शेयर से इन्वेस्टर के लिए ना वैल्यू बढ़ती है ना वैल्यू कम होती है, क्योंकि बोनस शेयर पे टैक्स नहीं है. पहले तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन था क्योंकि 15% टैक्स लग गया था बोनस शेयर्स पे, तो आपको एक्चुअली जेब से पैसे देने पड़ते थे. तो वॉल्यूम जनरेशन अब बेहतर हो सकती है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा स्टॉक प्राइस के ऊपर? मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी समझ चुके हैं चीज़ों को. इनफैक्ट ये जब न्यूज़ भी आती है, मैं कहता हूँ हर क्वार्टर न्यूज़ आती है कि वो GDC PPL एक बम्पर डिविडेंड देने लगे, तो एक दिन कैप होते हैं, उसके बाद जो स्टॉक प्राइस होती है पिछले बार से जिस स्टॉक प्राइस से चलते हैं उससे भी नीचे आ जाते हैं. तो लोग समझ चुके हैं कि कितनी ग्रेम सिचुएशन है अभी, तो इस चीज़ से मुझे नहीं लगता है इतना फर्क पड़े. और तीसरा सवाल जो होता है कि करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई, ऑयल प्राइस भी बढ़ गई, लेकिन इनके मार्केट कैप्स तो डिप्लीट होते जा रहे हैं. तो उसके रीज़न हम पूरी डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इस तरह से ही रहेगा जब तक वो अर्निंग जो बढ़ रही है वो कैश फ्लोज में ट्रांसलेट नहीं होती. सही, तो सही. जब तक नहीं होता इसी तरह से चलेगा. और सही. उसके लिए आपको फॉलो करना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पास ऑन हो रही है या नहीं, और मेजरली गैस प्राइसेस जो प्रेशर आ रहा है वो पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा. सही. मुर्तजा प्लीज गो अहेड. मुर्तजा भाई प्लीज गो अहेड एंड कीप इट क्विक. थैंक यू सो मच. मेरा बस एक क्वेश्चन था कि मैं पीपीएल की एक रिपोर्ट देखूं तो उन्होंने अभी लास्ट क्वार्टर में अच्छे खासे उनका एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस रहा है. अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बहुत ही कैश स्ट्रेन्ड हैं, तो हाउ दे आर मैनेजिंग देयर एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस जो इस 9 बिलियन का इस क्वार्टर में हुआ, इसको थोड़ा सा बताइएगा. हाँ जी मुर्तजा, ये इस तरह से नहीं है कि कैश बिल्कुल भी नहीं है इनके पास. कुछ कैश फ्लो आता है, बट इफ़ 70% ऑफ माई कैश फ्लो इज़ गेटिंग स्टक, देन अगेन आई हैव टू ऑप्शंस. या तो मैं हल्का फुल्का एक्सप्लोरेशन कर लूँ. वेल्स मैंने आपको बता दिए 5 साल पहले जितने ड्रिल हो रहे थे उससे आधे हो रहे तकरीबन. तो जिस तरह से एक्सप्लोरेशन पहले PPL करता था उस तरह से नहीं कर पा रहा. तो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश होती है, जैसे मरगंडा में दिख गया था कि एक हाई एक्सप्लोरेशन फील्ड दिख रही थी. तो PPL को भी अगर देखेगा कि इधर से यार तेल या गैस कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं तो पैसे लगाएगा उधर, लेकिन पैसे जितने लगा सकता है उतने नहीं लग रहे. तो 70% अगर मेरा कैश फ्लो स्टक हो रहा है तो मेरे पास चॉइस है, मैं डिविडेंड बांटूँ या ये करूँ. तो मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन कर लूँ, ताकि मुझे पता है कि 14 साल के रिजर्व जो हैं गैस के मुल्क के, जिसमें मेजरली मारिक हैं, तो PPL को भी दिख रहा है कि कुछ साल बाद उसकी जो अर्निंग्स प्रोफाइल, प्रोडक्शन प्रोफाइल, वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे जा रही है. तो करेंसी डेप्रिसिएशन भी अर्निंग्स को सेव नहीं कर सकती. तो मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन तो मुझे करनी है. तो ये इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जितनी कर सकते हैं उतनी नहीं कर पा रहे, या जितनी करनी चाहिए. सही. समर प्लीज गो अहेड. मुझे बस थोड़ा कोई सवाल ये करना है कि लाइक जैसे PSO को नोट किया है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए टैक्सेस लगाए क्योंकि उसका कम घुट रहा था. तो ये सिंपल सवाल है कि अगर यार आपकी आवाज नहीं सही आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही. हाँ, आवाज बहुत दूर से आ रही है. समर आप ठीक कर रहे हैं, दोबारा आता हूँ. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सही. रहमान भाई प्लीज. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. एतजाज भाई आई मस्ट से आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, और आपने अपनी पावर सेक्टर की रिपोर्ट की बात की थी मल्टी लाइन सिक्योरिटीज़ की. मैंने पर्सनली भी वो बहुत पढ़ी है, और आई थिंक आई वुड रेकमेंड कि वो सब वो पढ़ें. उससे आपको सबको समझ आएगा कि सर्कुलर डेट कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए कमोडिटी सुपर साइकिल में कितना मुश्किल है.
अच्छा, अब मेरा एक ही क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया था अपनी टॉक में, वो ये है कि टेल ब्लॉक में पॉल का बहुत बड़ा स्टेक है और उनकी मेजर ऑयल गैस प्रोडक्शन वहीं से आती है. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि ओजीडीसी के पैसे वहां पे फंस जाते हैं बट पॉल जो है वो अपनी गैस के सर्कुलर डेट भी वहां से रिकवर कर लेता है. और जब आप इसको आंसर करेंगे तो इस पे जरूर लाइट डालेगा कि जो अपकमिंग मारी का प्रोजेक्ट है जिसमें वो SNGPL को सप्लाई करेगा, तो इज इट पॉसिबल कि अगर वो अपनी थोड़ी मारी के साथ अच्छी निगोशिएशन करें तो ये इनका सर्कुलर डेट में जो 150 MMCFD है उसकी पेमेंट्स ना फंसें इवन दो दे आर सप्लाइंग टू SNGPL. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन के लिए. और अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि वो तुम सही कह रहे हो कि तल ब्लॉक से जो प्रोडक्शन है वो OGDC भी के पास भी जा रहे हैं उसके पैसे, और पॉल के पास भी जा रहे हैं, तो उसके पैसे क्यों नहीं फंस रहे? तो ब्रीफली अगर तुम नंबर देखो ना, पॉल की जो टोटल एट्रिब्यूटेबल प्रोडक्शन है इट इज़ क्लोज टू 5,000 barrels per day, 5 to 5,500 barrels per day, जो कि मेजरली 80-90% इज तल ब्लॉक. OGDC की जो टोटल प्रोडक्शन है वो है तकरीबन 40,000 barrels per day, 37,000 to 38,000 barrels per day की है. तो अगर मुझे उधर से 4,500 to 5,000 barrels per day के पैसे मिल भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बाकी के जो 30,000 barrels per day हैं उसके पैसे मेरे स्टक हो रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एक तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी फील्ड से कितने पैसे फंसते हैं, कौन से आते हैं, क्योंकि पूरी चेन है. तो मुझे लेकिन ये पता है कि पॉल की जो प्रोडक्शन है एट्रीब्यूटेबल 21% है वो तल में, टोटल आते हैं 5,000 barrels, 4,500 to 5,000 barrels per day के करीब. तो OGDC के 5,000 to 5,500 barrels per day बनते हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्शन OGDC की जो बनती है वो बनती है 38,000 barrels per day. तो उसमें से अगर 5,000 barrels per day या चलो 20-30% के भी पैसे आ रहे हैं लेकिन बाकी 70% के नहीं आ रहे, तो देयर इज एन इशू, ठीक है, तो इसलिए मेरा कैश स्टक हो रहा है. दूसरा पॉइंट ये है कि तुमने अच्छा कि ये भी हाईलाइट कर दिया कि पॉल में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा शिफ्ट जो है वो ऑयल की तरफ है, ठीक है, 80% रेवेन्यू उधर ही है. OGDC इज बैलेंस्ड, उसका गैस भी है और ऑयल भी है. तो अगर हम उसकी बैलेंस शीट खोल के देखें तो जिस तरह से मैंने वो जब नंबर्स बताए थे कि नेट पैसे कितने फंसे हैं, 80-90% इज SNGPL एंड SSGC. तो उधर से हमें एक हाईलाइट तो ये मिल गई कि गैस का मसला ज़्यादा बड़ा है रादर देन ऑयल का. तो प्रोबेबली क्या, वो तो दिख के भी पता चल रहा है नंबर्स को कि ऑयल वाले पैसे तो OGDC के पास भी आ रहे हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट, लेकिन गैस वाले पैसे जो हैं वो स्टक अप हो रहे हैं जिसमें पॉल कम है, तो उसको डील ही नहीं करना पड़ रहा है SSGC SNGPL के साथ, जो OGDC PPL को करना पड़ रहा है. उससे ये हाईलाइट भी हो जाता है कि PPL की BOE के टर्म्स में प्रोडक्शन कम है, ठीक है ना, बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म्स में, लेकिन उसके पैसे ज़्यादा फंसे हुए क्योंकि वो गैस डिपेंडेंट ज़्यादा है, गैस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुई है प्रोडक्शन. तो इन सब नंबर से तुमने जिस तरह से सवाल किया वो सम अप हो गई चीज़ कि भाई ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो गैस वाली साइड से है. तो गैस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं अगर इन कंपनीज को सीधा करना है. जी नेक्स्ट फहीम साहब. खजर भाई एक छोटी सी बस वन वर्ड आंसर. तो एतजाज भाई, डू यू थिंक सर्कुलर डेट इज फील्ड स्पेसिफिक और प्रोड्यूसर स्पेसिफिक? इट इज एक्चुअली चेन स्पेसिफिक. सही है, जिस तरह से मैंने चेन एक्सप्लेन की, तल ब्लॉक से निकला सारा ऑयल कहाँ गया ATRL को, ATRL से कहाँ गया सिग्निफिकेंट पोर्शन APL को, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी गया. फॉर एग्जांपल अच्छी खासी आपकी जो पंप्स हैं गो को चले गया, शेल को चले गया, PSO को चले गया. वो लोग क्या बेच रहे हैं, PSO, शेल, APL, वो बेच रहे हैं MS HSD मेजरली. वो किसको बेच रहे हैं, एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं, ठीक है ना. एंड कंज्यूमर कौन है, तुम है, मैं हूँ, हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि बोले कि यार पैसे कल दे दूंगा, हम उसी वक्त पेमेंट करते हैं. कैश फ्लो उधर ही आ गया. सही है, कैश फ्लो उधर ही आ गया. तो चेन में PSO, APL एक्सेट्रा की तरफ से या तो PSO दो नंबरी करे वो पैसे नहीं दे पीछे. तो ATRL के पास ऑप्शन है
कि भाई मैं आपको सप्लाई नहीं करूंगा आपसे पीएसओ को, मैं गो को करूंगा, मैं शेल को करूंगा, मैं एपीएल को करूंगा, तो पैसे तो पीछे जाने हैं चेन में क्योंकि सप्लाई रुक जाएगी. तो सबने पैसे दिए एटीआरएल को, एटीआरएल ने पैसे दे दिए पीओएल को, तो चेन स्पेसिफिक ज्यादा है. अभी ये अब पीओएल या ओजीडीसी एसएसजीसी एसएनजीपीएल को दे रहे हैं, एसएनजीपीएल एसएसजीसी क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं. कंज्यूमर की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल $5 है, सही है ना, $3 से $5 तो मिनिमम होगी क्योंकि इतने की तो आप ENPs की गैस कॉस्ट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह सब लगाओ, LNG की वेटेड एवरेज करो, तो ये तो $6 से भी ऊपर निकल जाएगी. उसको आप $1 पे दे रहे हैं, वो भी हमारे घर में आ रही है, हम कैश दे देते हैं, $1 तुमने पे कर दिया, $2 पे कर दिए, जो गैप बच गया $2, $3, $4 का वो SNGPL की बुक पे आ गया. SNGPL से OGDC या फॉर इंस्टेंस पॉल गया पैसे मांगने, जिस तरह से ATRL के पास जाते हैं, SNGP ने बोला मुझे तो मिले ही नहीं डिस्कोस से पैसे, या कंज्यूमर से उतने पैसे नहीं आए, मैंने तो गवर्नमेंट को बिल किए भाई जो गैप है, गवर्नमेंट ने मुझे पैसे ही नहीं दिए तो मैं आपको कैसे दूँ, तो उनके पैसे फंस गए. तो इट इज़ मोर चेन स्पेसिफिक. पॉल भी कल को अगर शिफ्ट कर दे अपनी प्रोडक्शन प्रोफाइल गैस की तरफ तो उसमें भी यही मसले आने स्टार्ट हो जाएंगे. वो SNGPL के पास जाएगा, SNGPL मना कर देगा कि मैं PPL OGDC को नहीं देता तो मैं आपको क्यों दूँ, मारी क्यों बचा हुआ है, वो तुमने सवाल भी किया था. तो ये मारी के लिए एक रिस्क आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड कि SNGPL उसको भी मना कर देगा कि भाई पैसे नहीं मिल रहे गवर्नमेंट से तो मैं आपको किस तरह से दे दूँ. अभी फट एंड कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है तो उधर से पैसे आ रहे हैं. थैंक यू अवेश भाई, प्लीज गो अहेड. इत्तेजाज भाई आपने घड़ी पे भी नजर रखनी है. जी जी मैं अगर ये जी मैं अगर इसको लास्ट क्वेश्चन कर लूं और मैं ब्रीफली आंसर करके इफ आई कुड टेक अ लीव टू आई वुड अप्रिशिएट दैट. बहुत अच्छी डीप डाइविंग करवाई आपने इस सेक्टर में, एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए. थैंक्स टू सरमाया एंड थैंक्स टू द स्पीकर्स एंड को-होस्ट. सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं बहुत बेसिक सा इन्वेस्टर हूँ, अभी स्टार्ट किया है. सेक्टर का तो क्लियर हो गया, काफी अच्छा डिटेल में आपने बताया, जबरदस्त हो गया. मगर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, sarmaya.com जो है वो उनका उनका जो वो थिंकिंग लेके या जो स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं या अपने अपने फॉलोअर्स को जो बता रहे हैं, और अभी एतजाज साहब की भी वही मुझे लगी स्ट्रेटजी कि गो फॉर द लॉन्ग टर्म. अभी लॉन्ग टर्म में अगर हम जा रहे हैं, ये सेक्टर को छोड़ के थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन होगा, अगर लॉन्ग टर्म में हम जा रहे हैं तो मतलब फॉर एग्जांपल बीच में कमाने वाले आ जाते हैं काफी लोग, जैसे मैं भी अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कमाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, अर्निंग के लिए. तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं एक जगह पे एक पता के पैसे बैठ गया और वो मैंने देखा, मैं डिविडेंड का इंतजार करता रहा, और लॉन्ग टर्म में मैं काफी जगह सरमाया वालों का सुना है कि लॉन्ग टर्म में इतने पैसे, उनकी कैलकुलेशन पूरी कैलकुलेटर वहां पे बना हुआ है कि कितने पैसे कमा सकते हैं. उस बीच में डिविडेंड लेते लेते 5 साल के बीच में एक स्टॉक 10 दफा बढ़ता है 10 दफा गिरता है, कैपिटल गेन भी बढ़ता है, तो लॉन्ग टर्म मतलब सही रहेगा या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहे, ये स्ट्रेटजी इसको भी लेके साथ में चले तो ये भी सही रहेगा, या लॉन्ग टर्म में तो फिर मतलब हम कैपिटल गेन मिस कर रहे हैं. फहीम भाई मुझे एक और क्वेश्चन ले लेने दे, उसके साथ फिर इनको भी आंसर कर देना. नेक्स्ट इज उजी. जी जी शुक्रिया बहुत. सो मैं पूछ रहा हूँ
क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का लड़ाई, मैं बोल रहा हूँ ये गैस प्राइसेस कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, समझ थैंक यू, रहा सिचुएशन नहीं पता मैं। थैंक यू, थैंक यू एतजाज भाई, प्लीज फ्लोर इज योर्स। आई एम सॉरी फॉर द लिसनर्स जिनका हम क्वेश्चन नहीं ले पाए। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर नॉट इंटरटेनिंग मोर क्वेश्चंस। एतजाज भाई प्लीज गो अहेड एंड देन वी विल एंड एंड द कॉल, द हाँ अच्छा, ये डिस्कशन। गैस प्राइसेस का आप पूछ रहे थे, तो गैस प्राइस की ट्रेजेक्टरी तो अपवर्ड ही है, सिंस ईयू को सप्लाई नहीं हो रही, तकरीबन 6 BCM के करीब रशियन गैस जो थी, और विंटर्स थोड़े से मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होंगे। अभी कमोडिटीज कोल वगैरह थोड़े से वीकन ऑफ हुआ तो है, लेकिन मेरे ख्याल से वी नीड टू पास थ्रू दीज विंटर्स टू डिटरमिन के कमोडिटीज़ किस जगह जाके सेटल अप होती हैं डिस्पाइट द रिसेशनरी फेयर्स, क्योंकि सप्लाईज लिमिटेड, ओपेक ने भी कट कर दिया है, तो विंटर्स तक हमें वेट करना पड़ेगा असली ट्रेजेक्टरी देखने के लिए कि कमोडिटीज़ किधर सेटल हो रही हैं। तो गैस प्राइसेस वुड ग्लोबली शुड रिमेन एलिवेटेड, और लोकल प्राइसेस सिंस दे आर रेगुलेटेड तो बढ़ानी तो चाहिए, लेकिन सिंस थोड़ा सा पॉलिटिकल गिमिक भी है तो शायद ना बढ़ें फॉर द टाइम बीइंग अनटिल एंड अनलेस IMF की तरफ से प्रेशर ज़्यादा। दूसरा ये फहीम भाई का सवाल था कि लॉन्ग टर्म देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमारी मार्केट में जो मसला है वो यही है कि अब बल्क ऑफ इन्वेस्टर वो शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस्ड है रादर देन लॉन्ग टर्म, तो उसमें जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके पीछे कुछ इतनी बेहतर अर्निंग्स प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन उसमें वॉल्यूम अच्छे होते हैं और उनका प्राइस अप्रिसिएशन इज सिग्निफिकेंट, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें कुछ जीत जाते हैं लेकिन आखिर में जिसके हाथ में रह जाते हैं वो शेयर, और इट और शी हैपेंस टू बी द लूजर। तो फोकस मेरे ख्याल से ना लॉन्ग टर्म पे करना चाहिए ना शॉर्ट टर्म पे करना चाहिए। आज जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको उसके नंबर्स हल्के बुल के ऑब्वियसली डिटेल में तो नहीं देख सकते, जैसे मैंने बता दिया कि ENP के मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं, तो ये तो कोई भी इन्वेस्टर देख सकते हैं, ऑयल प्राइस किधर जा रही है investing.com खोल के देखना है आपने, हाँ करेंसी की मूवमेंट क्या है वो देखनी है, गैस प्राइस मुल्क में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही वो आपने अखबार पढ़ना है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जैसे कि सीमेंट है, कोयला नीचे जा रहा है, डिमांड आपको अखबार पढ़ रहे हैं पता चल रहा होगा मुल्क के हालात कैसे हैं, तो ब्रीफली आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे होता ही है कि जो ब्रोकर पिच कर रहा होता है, जैसे टैली है, WTL है, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है, उनके पीछे अगर अर्निंग्स नहीं है, अगर अर्निंग्स हैं कुछ स्टोरी है कुछ आउटलुक है तो आप इन्वेस्ट करें, अब वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो थोड़ी सी क्लियर हो कि मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप सट्टे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रोकर ने बोल दिया कि WTL पकड़ लो, तो वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये मैंने सट्टे के लिए लिया है, और इसमें लॉस भी बड़ा हो सकता है गेन भी बड़ा हो सकता है, तो वो एज एन इन्वेस्टर आपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। थैंक यू एजाज भाई। अच्छा सबसे मेरी माजरत अगेन के क्वेश्चन नहीं ले पा रहा मैं मजीद। मैंने प्रॉमिस किया था एजाज भाई से कि इसको 1 घंटे में एंड कर देंगे, 20 मिनट ऊपर हो गए, इन्होंने कहीं जाना है ऑलरेडी कमिट किया हुआ है। प्लीज़ इसी स्पेस के नीचे आप देखेंगे राइट साइड में एक बबल बना हुआ है चैट का, तो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें चैट में ही, और एजाज भाई और मैं पूरी कोशिश करेंगे उनको आंसर कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन इत्तेजाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, होपफुली सबको फ्रूटफुल लगा होगा सेशन, कोई भी सवाल हो आप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बेहतरीन, जो भी सही लगे। इत्तेजाज भाई मैंने पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर पे, बट वो चीज़ों का नहीं पता था जो आपने बता दी है इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, और आई एम वेरी वेरी सॉरी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वी हैव टू एंड द डिस्कशन। सी यू नेक्स्ट सैटरडे एंड वी विल हैव अ सीमट सेक्टर डिस्कशन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच, इंजॉय योर वीकेंड।